21 नवंबर की रात को भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट्स निकले ऋषिकेश स्टडी टूर पर, और आज हमारे स्टडी टूर का 5th डे है और टीम फंटर्स यानी हम जा रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट टास्क पे। टीम फंटर्स हमने अपने ग्रुप का नाम इसलिए रखा क्योंकि हमारे ग्रुप के सभी लोग बहुत मस्ती खो रहे हैं, तो आज फंटर्स अपने फुल मस्ती और जोश से जा रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट का टास्क पूरा करने। और हर रोज की तरह हमारी मॉर्निंग असेंबली खत्म होते ही हमारी पूरी टीम भागी कैंटीन की तरफ और हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट करके फटाफट रेडी होकर हम लोग बैठ गए अपनी बस में। हमें आज जाना था नरेंद्र नगर डिग्री कॉलेज, जो भारत भूमि गेस्ट हाउस से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्योंकि हमारी टीम का नाम फंटर्स है, तो जब हम बस में बैठे थे हमारा फन करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन हमने सोचा कि पहले हम अपना टाइम यूटिलाइज करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने जल्द से जल्द अपना काम डिस्कस करा और हमने बस में बैठे बैठे अपनी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद एकदम से हमारी नज़र बाहर पड़ी। हमने देखा बस में बैठकर कि बहुत प्यारा नज़ारा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने देखा एक साइड पे खूब हरे भरे पेड़ और दूसरी साइड पे गहरी खाई। इतना प्यारा दृश्य, ऐसा लग रहा था मानो हम स्वर्ग में हो। उत्तराखंड वाकई में कितना खूबसूरत है हमें उस दिन पता चला। ऊंचे नीचे रास्तों पर दाएं बाएं होते हुए हम पहाड़ों के बीच से आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे हमारी मंजिल करीब आ रही थी और हम खूब एंजॉय करते हुए डिग्री कॉलेज की तरफ जा रहे थे। डर भी लग रहा था काफ़ी क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि वो डर यूं ख़त्म हो गया। डिग्री कॉलेज से थोड़ी सी ही दूर एक गाँव था, थोड़ा ऊंचाई पर था लेकिन बहुत खूबसूरत था। हमने सोचा कि चलो गांव वालों को अपना नुक्कड़ देखने के लिए इनवाइट कराते हैं और इसी बहाने हम गांव भी घुमाएंगे। जैसे ही हम गांव पहुंचे, हमने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी कॉलिंग स्टार्ट कर दी और पूरी फंटर्स टीम वहीं पर शुरू हो गई। देखो देखो नुक्कड़ नाटक, फंटर्स का नुक्कड़ नाटक, हाँ अरे हाँ अरे हाँ 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 हाँ। और इसी तरह कॉलिंग करते हुए और हाथ में ढपली लेते हुए हमने पूरा गांव कवर किया और एक एक के घर गए ताकि सब लोग हमें सुन सके और अपना काम जल्द से जल्द पूरा करके हमारा नुक्कड़ देखने आए। हमारी फंटर्स टीम तो फोटोशूट में इतनी बिजी हो गई थी कि सारे काम भूल गई थी। वो तो शुक्र है पुंडीर जी का, जो कि हमारे लोकल गाइड थे, उन्होंने हमें याद दिलाया कि अब हमें डिग्री कॉलेज की तरफ चलना चाहिए, हमारे नुक्कड़ प्रेजेंट करने का टाइम हो रहा है। तो हमने उनकी बात मानी और हम जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज के लिए निकल चले। जब हम डिग्री कॉलेज पहुंचे तो हमें बहुत खुशी हुई। हमें पता चला कि आसपास के 25 गांव के बच्चे वहां डिग्री के लिए पढ़ने आते हैं। वो कॉलेज काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत था। पहाड़ों में बसा वो कॉलेज बहुत मनमोहक था। कॉलेज के कैंपस में घूमने के बाद हम लोग कॉलेज के ऑडिटोरियम में चले गए, जहाँ पे हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम करना था। कम्युनिटी डेवलपमेंट टास्क में हमने अपना सबसे पहला प्रोग्राम रखा नुक्कड़ नाटक, और हमने स्टेज पे चढ़कर अपना नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट किया। नुक्कड़ नाटक एक बहुत ही आसान तरीका है लोगों को जागरूक करने का। हमने अपने नुक्कड़ नाटक में तकरीबन 4 टॉपिक्स कवर किए थे, महिलाओं में महावरी, पलायन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्ति। हमने अपने नुक्कड़ नाटक में जितना ज़्यादा हो सके गाने और पोएम्स वगैरह ऐड करी थी, ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स को हमारा नुक्कड़ बोरिंग ना लगे और वो काफ़ी इंटरेस्ट से हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसको सुन सके। वैसे तो हमने नुक्कड़ की तैयारी दिल्ली में ही कर ली थी, लेकिन हमने पूरे जोश से उसे ऋषिकेश में डिग्री कॉलेज में प्रेजेंट किया। यूं तो उत्तराखंड में काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है पलायन। गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं और लोग अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ चले जा रहे हैं। तो हमने अपने नुक्कड़ में पलायन एक मुद्दा रखा था, ताकि हम लोगों को उस समस्या का हल बता सके। पूरी टीम ने एकजुट होकर नुक्कड़ के लिए काफ़ी मेहनत की थी और हमारा नुक्कड़ बहुत अच्छा हुआ और सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को हमारा नुक्कड़ बहुत पसंद आया। नुक्कड़ ख़त्म होने के बाद हमने अपना सेकेंड टास्क स्टार्ट किया, यानी फर्स्ट एड। इस टास्क को रोहित और सौरभ नेगी ने बहुत अच्छे से किया। उन दोनों ने दिल्ली से ही फर्स्ट एड बॉक्स तैयार कर लिया था और सभी स्टूडेंट्स को
फर्स्ट एड बॉक्स की सारी मेडिसिन और सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करना स्टार्ट किया। फर्स्ट एड टास्क के बाद हम अपने थर्ड टास्क की ओर बढ़े, जो था सरकारी योजनाएं। यूं तो सरकार की तरफ से गांव में काफ़ी योजनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन लोग इन योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें इन योजनाओं की जानकारी नहीं है। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया था कि हम वहां जाकर लोगों को इन सभी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी देंगे, और तभी हमने अपना टास्क शुरू करा और सभी लोगों को सुपर 100 कैंपेन, आयुष्मान भारत, गौरा देवी जैसी कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी ताकि सब लोग उन योजनाओं का सही फायदा उठा सके। इस सेगमेंट के बाद हमारा अगला सेगमेंट था इंटरैक्शन सेगमेंट। अब डिग्री कॉलेज में इतना समय बिताने के बाद हम सब बहुत फ्रैंक हो गए थे, तो हमने अपने ग्रुप को दो टीम में डिवाइड कर दिया, गर्ल्स और बॉयज। मैं और स्वाति सभी गर्ल्स के पास चले गए बात करने, और सारे बॉयज कॉलेज के बॉयज के पास चले गए बात करने। और मैंने और स्वाति ने वहाँ की लड़कियों से खूब बातें की, हमने वहाँ के स्टूडेंट से काफ़ी सारी बातें की, उनको अपने साथ कंफर्टेबल फील कराने की बहुत कोशिश की, और वो धीरे धीरे हमारे साथ फ्रैंक होने लगे। उसके बाद हमने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज करा ताकि फ्यूचर में उन स्टूडेंट्स को हमारी कोई भी ज़रूरत हो तो वो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग जो फर्स्ट एड बॉक्स दिल्ली से बनाकर गए थे वो हमने वहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स को गिफ्ट कर दिया था ताकि सभी बच्चे उस फर्स्ट एड बॉक्स को ले जाकर अपने गांव में उसकी जानकारी सभी लोगों को दे। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लोग जैसे ही कॉलेज से बाहर निकले, हमने देखा आसमान में बहुत खूबसूरत रेनबो था। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा रेनबो देखा था और वो बहुत खूबसूरत था, तो हमने सोचा जल्द से जल्द इसे अपने कैमरा में कैप्चर कर लेते हैं। उस रेनबो को देखने के बाद ऐसा लग रहा था मानो हमारे टास्क की सारी थकान मिट गई। कॉलेज से निकलने के बाद हमें बहुत भूख लग रही थी। हम लोग भारत भूमि गेस्ट हाउस से लंच बॉक्स में गरम गरम आलू पूड़ी पैक करके लाए थे, तो वहीं पर हमने रुक कर थोड़ी देर लंच किया और हमने ठंडे मौसम में गरम गरम आलू पूड़ी खाकर बहुत आनंद लिया। लंच करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास बहुत समय बाकी है, तो पुंडी जी ने हमें बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक कुंजा देवी टेम्पल है जो कि बहुत खूबसूरत है और जिसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है और बहुत खूबसूरत है, तो हमने सोचा क्यों ना माता के दर्शन कर कर आएँ। तो हम लोग अपनी बस में बैठकर मंदिर की ओर चल पड़े। लगभग आधे घंटे के अंदर हम लोग कुंजा देवी मंदिर पहुँच गए। मंदिर काफ़ी ऊँचाई पर था और बहुत खूबसूरत था। जैसे ही हम मंदिर में गए हमें बहुत शांति महसूस हुई। जब हमने मंदिर से दूसरी ओर देखा तो उत्तराखंड बहुत सुंदर लग रहा था। बड़े बड़े ग्लेशियर्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो नज़ारा बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर हमें बहुत शांति मिली। थोड़ी देर मंदिर में समय बिताने के बाद हमें बहुत ठंड लगने लगी, और पहाड़ी इलाका था तो ठंड बढ़ती जा रही थी, तो हमने सोचा लगता है अब इशारा मिल गया कि अब हमें अपने कैंपस की तरफ चलना चाहिए। तो हमने बिना वक्त ज़ाया करते हुए बस में बैठकर अपने कैंपस की ओर निकल पड़े। यूं तो ऋषिकेश में बिताया हर दिन बहुत मज़ेदार था, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट का डे सबको याद रहेगा। वो दिन, उस दिन मौसम इतना खूबसूरत था कि कोई नहीं भूल सकता। हम लोगों ने एकजुट होकर जो काम किया उससे हमें पता चला कि फंटस टीम में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है। ऋषिकेश में बिताया कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला दिन काफ़ी अलग और काफ़ी मज़ेदार था। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारी ज़िंदगी का एक खास पल बन चुका है।